तो कैसे हो दोस्तों, आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पप्पी के बाइटिंग को कैसे स्टॉप किया जाए, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने मुझे मैसेज किया है कि उनका पप्पी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हो जाता है, मतलब कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइट हो जाता है बाइट करने के लिए। और आप यहाँ पर पिक्चर देख सकते हो कि कितनी बुरी तरीके से इनको बाइट किया है, एक छोटा सा पप्पी इस तरीके से बाइट किया है। तो आप इमेजिन करो कि जब वो बड़ा हो जाएगा तो किस तरीके से बाइट करेगा। दोस्तों पप्पी का जो बाइटिंग है वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, पप्पी अपना लव दिखाने के लिए आप लोगों के साथ इस तरीके का हैबिट करता है। लेकिन ये डॉग्स के लिए सही है, बट ह्यूमन के लिए सही नहीं है, क्योंकि इसी तरीके से बाइट करता रहा तो ह्यूमन में इन्फेक्शन का भी डर होता है। तो बेटर होगा कि आप अपने पप्पी को सिखाओ कि प्यार करने का तरीका कुछ और है, आप उस तरीके से प्यार करो बट ये बाइट ना करो। दोस्तों इसको स्टॉप करने के लिए कुछ टिप्स हैं, कुछ ट्रिक्स हैं, वो आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली आपका पप्पी बाइटिंग छोड़ देगा, वो भी मात्र एक दिन में। और जब आप उसको गाइड करोगे तो वो छोड़ देगा, लेकिन जो कम्प्लीटली छोड़ेगा वो 2-3 मंथ के बाद छोड़ेगा। ठीक है, मतलब कि आपका पप्पी 3 मंथ का है तो 3 मंथ के बाद छोड़ेगा, मतलब कि 5-6 मंथ के आसपास वो डेफिनेटली छोड़ देगा। जैसे कि आप इस काजू को देख सकते हो, कभी भी बाइट करने का कोशिश ही नहीं कर रहा है। वैसे ही बहुत सारे लोगों के डॉग हैं जो बाइट करने का कोशिश ही नहीं करते हैं जब उनको एक बार सिखा दिया गया है तो। और यदि आपका डॉग ऐसा कर रहा है तो आप लोग नीचे कमेंट करके बताओ। दोस्तों यदि आपका डॉग ऐसा कर रहा है, मतलब कि आपका डॉग बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, उसको आप कोई भी ट्रेनिंग सिखाओगे बहुत जल्दी सीखेगा। चलिए दोस्तों आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। 4-9-9-4 तो दोस्तों आपके सामने ये रही काजू, और अभी ये बहुत ज़्यादा बड़ी हो गई है, आप देखते हैं। तो दोस्तों आपके सामने है ये काजू, पहले बहुत ज़्यादा छोटी थी ना, अब बहुत बड़ी हो गई है और बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट भी है। चलिए दोस्तों अब हम बात करते हैं कि बाइटिंग को कैसे स्टॉप किया जाए। दोस्तों बाइटिंग को स्टॉप करने के लिए बहुत सारे तरीके हैं, वो आप यूज़ कर सकते हो अपने पपी पर, लेकिन जो मेरा फेवरेट है वो मैं आज के इस वीडियो में बताऊँगा। दोस्तों उसमें क्या है कि आपको नो बोलना है, और नो बोलने का तरीका थोड़ा सा हार्ड है, बट इस तरीके से यदि आपने अपने डॉग को सिखला दिया तो आपका बहुत बड़ा काम हो जाएगा। क्योंकि जब भी आपका पप्पी कोई गलत काम करेगा और आप इसको बोलोगे नो काजू नो, तो आपका डॉग आपसे प्यार करेगा और वो काम करना छोड़ देगा। तो दोस्तों चलिए आज के इस वीडियो में मैं आपको बतलाता हूँ कि कैसे स्टॉप करना है। दोस्तों सपोज डैट कि आपका पप्पी आपको बाइट कर रहा है, ठीक है, तो उसके ईयर के पास जाइए और बोलिए नो, इस टाइप से बोलिए, ताकि आपका पप्पी को लगे कि क्या हो रहा है भाई मेरे साथ। तो जब भी आपका पप्पी बाइट करने की कोशिश करे नो छोड़ दे, मतलब उसको लगना चाहिए कि कुछ हो रहा है, इस तरीके से आप नो बोलो। और ये जो तरीका है मैंने खुद बनाया है, और ये कैसे बनाया है, एक मैंने मदर डॉग को देखा था कि वो अपने पप्पी को इसी तरीके से रोक रहे थे। कैसे, उसका जो पप्पी था ना वो अपने माँ का दूध पीने के लिए बार बार जा रहा था, और जब आपको पता है कि पप्पी 1-1.5 मंथ का हो जाए तो माँ कोशिश करती है कि ये धीरे धीरे मेरे से दूर हो, दूध ना पिए। तो इसी क्रम में माँ अपने बच्चे को बहुत ही चिल्ला करके रोकती थी और वो बच्चा रुक जाता था। तो मैंने सोचा कि यही तरीका क्यों ना डॉग पे यूज़ किया जाए, और ये तरीका यदि आपका डॉग समझ जाता है तो लाइफ में कभी भी आपका डॉग कोई भी बड़ा गलती करता है वो बहुत ही आसानी से समझ जाएगा कि मुझे ऐसा नहीं करना है। तो दोस्तों ये था टिप्स, आप अपने डॉग पे फॉलो कीजिए, डेफिनेटली वर्क करेगा। और दोस्तों बहुत सारे डॉग ऐसे हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा एक्साइट हो जाते हैं, मना करने पर भी नहीं मानते हैं। तो दोस्तों ऐसे लोगों के लिए हमारा व्हाट्सएप कंसल्टेंसी है, जो कि बहुत सारे लोगों को पता है, और बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप कंसल्टेंसी लिया भी है। दोस्तों इसका बहुत ही कम नॉमिनल फ़ी रखा गया है, मात्र 200 रुपीज़। ये पे करके मैं आपको पर्सनली गाइड करूँगा कि कैसे स्टॉप करना है। दोस्तों मेरे से कॉन्टैक्ट करने के लिए आप लोग मेरे से इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो, या फिर डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का भी नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन आप लोग इंस्टाग्राम पे आइए, वहाँ पे फॉलो कीजिए, क्योंकि वहाँ पर मैं और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें डालते रहता हूँ और बहुत सारी चीज़ें अपडेट करते रहता हूँ, तो वहाँ पर जा करके फॉलो करिए।
दोस्तों साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, इसी तरीके में रेड कलर का बटन आपको नीचे दिख जाएगा और बाद में बेल का आइकन भी दिख जाएगा। ऐसा करना फ्री ऑफ कॉस्ट होता है और साथ ही साथ हमारी आने वाली सारी वीडियोज आपको मिलती रहेगी। दोस्तों हम लोग मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियोज में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद। राजू नो, गुड गर्ल नो।